एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अचानक से किसी पार्टी या फंक्शन में जाना है और चेहरे पर जरा भी चमक नहीं है, जरा सा भी ग्लो नहीं है, तो कैसे डलनेस को दूर करके चेहरे पर ग्लो ला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगेगा लाइक और शेयर भी करना, ये बिल्कुल फ्री है सब चीज़ें आपके लिए। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और उसमें ले लेंगे हम ये पाउडर शुगर। मैंने एक चम्मच शुगर लेके इसको पाउडर बना लिया है। बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, ज़रा भी दरदरा या मोटा नहीं होना चाहिए। तो हाफ चम्मच ले लेंगे हम पाउडर शुगर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम कोकोनट ऑयल। थोड़ा सा जम गया है इस टाइम क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और सेकंड चीज़ ऐड करनी है हमें लेमन। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करके बन जाएगा एक स्मूथ सा पेस्ट। चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए, अगर किसी फेस वॉश या किसी भी चीज़ से अगर वॉश करते हैं तो लगाकर, नहीं तो नॉर्मल वाटर से। और अब हम इससे करेंगे चेहरे पर स्क्रब, क्योंकि चेहरे पर स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे डेड सेल हट जाती है। और स्क्रबिंग के बाद ही आधा ग्लो हमारा वापस आ जाता है, क्योंकि डेड सेल हट जाती है तो उसी की वजह से डलनेस होती है और स्किन हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी और ग्लोई हो जाती है। तो ये सिर्फ एक मिनट तक करना है। ऑयली स्किन वाले भी कर सकते हैं और ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में या फिर 10 दिन 15 दिन में एक बार करें, और ऑयली स्किन वाले इसको हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। इससे तो आपकी स्किन ड्राई तो नहीं होगी बल्कि मॉइस्चराइज होगी, क्योंकि हमने इसमें डाला है कोकोनट ऑयल और लेमन डाला है, तो दाग धब्बे भी दूर होंगे और डेड सेल दूर होगी। जो शुगर है वो स्किन को बहुत ज़्यादा गहराई से साफ कर देती है, तो बिल्कुल स्किन आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी स्क्रब करने के बाद ही। तो इसको एक मिनट करने के बाद वॉश कर देंगे। तो मैंने वॉश कर लिया है, और ये स्क्रब इस तरह का है कि इसको वॉश करने के बाद भी आपका जो चेहरा है, आपकी जो स्किन है, वो ड्राई नहीं होगी, मॉइस्चराइज रहेगी, क्योंकि हमने इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स किया है। और कोकोनट ऑयल से चेहरे के दाग धब्बे भी दूर होते हैं, ये रिंकल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एंटी एजिंग के लिए कुछ भी ढूंढ रहे हैं ना, तो कोकोनट ऑयल आप अपने स्किन केयर में शामिल कर दीजिए। अपने स्किन से इससे डेली 5 मिनट मसाज कीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही चीनी का मैंने बता ही दिया था आपको। जो हमारा सेकेंड स्टेप है, उसमें हमें चाहिए थोड़ा सा बेसन, आधा चम्मच बेसन मैंने लिया है। साथ ही मैं इसमें यूज़ करूँगी हाफ स्पून हनी ले लेंगे इसमें हम। गाइस, हाफ स्पून ही मैं इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करूंगी। जो लास्ट चीज हमें इसमें ऐड करनी है वो है ये लेमन। इसमें लेमन डाल लेंगे और इस पैक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये हमारा बहुत ही अच्छा एक ज़बरदस्त फेस पैक है, इसको ट्राई करके देखिएगा। दोनों स्टेप अगर साथ आप फॉलो करते हैं ना, तो चेहरे की खोई हुई चमक बिल्कुल वापस आ जाएगी और चेहरा आपका चमकने लगेगा और ड्राइनेस भी नहीं आएगी। अब हम इसको अपने चेहरे पर लगा लेंगे और एक मिनट तक मसाज करेंगे। एक मिनट तक मसाज करने के बाद इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर छोड़ देंगे। ड्राई नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें हनी और कोकोनट ऑयल है। तो 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे मसाज करके अच्छे से। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोई हो जाती है, और एक चमक एक शाइन आपके चेहरे पर आ जाती है। तो इसको हम छोड़ देंगे 20 मिनट, उसके बाद वॉश कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के साथ और ऐसे ही यूजफुल रेमेडीज के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।